नमस्कार फ्रेंड्स, इस शेखर और आप देख रहे हैं शेखर म्यूज़िक विद गार्डन। हर बार की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके ज़रिए मेरे चैनल में आने वाले कोई वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये जो आर्डिनियम का जो कटिंग है उसको हम कैसे लगाएं उसके बारे में। ये जो आर्डिनियम देख रहे हैं ये मैं लाया था, लेकिन ये जो लगाकर अब 4-5 दिन बारिश हुआ तो उसका जो मिट्टी है, मिट्टी भर ज़्यादा होने के कारण गमले में तो आपका जो प्लांट है उसका बल्ब, उसका जो कोडेक्स है वो गल गया, तो ये ख़राब हो गया था। तो इसको मैं कटिंग के हिसाब से उगाना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये जो प्रोसेसिंग है उससे पहले का प्रोसेसिंग मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप कटिंग, ये दिखता है, ये यहाँ तक इसका कोडेक्स था। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका कोडेक्स था, पूरा कोडेक्स आपका ये बारिश होने के कारण गल गया। जाने कारण मैं उसको निकालते निकालते यहाँ तक आ गया। कोडेक्स को अब अगर नहीं निकालेंगे तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको फेंकने वाला था, मेरा एक फ्रेंड ने बोला इसको आप कटिंग से उगा सकते हैं। तो इसको पहले मैं एक शार्प कट से, देखिए शार्प जो इसका जो कुछ कटर होता है, शार्प कटर से साथ एक कट मारिए, देखिए उसके ऊपर मैं लगाया था फेबिक्विक यहाँ पे लगा दिया हूँ। और इसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए इस तरह से हैंग करके किसी भी जगह रख दिया था। और इसको मैं अभी लगाऊंगा, 2 दिन हो चुका है, ये भी आपका सूख चुका है। ये आपका जो कुछ लेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे, अगर चाहेंगे फंजीसाइड से कर सकते हैं, अगर चाहेंगे फेबिक्विक के कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो इसका यहाँ से इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम होता है प्लांट को, क्योंकि इसको आप जड़ में घुसाएंगे तो उसके बाद ये सरफेस अगर खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको बालू चाहिए, प्योर बालू। मेरा कुछ इस टाइप का ये मिल गया तो चलेगा, छोटा छोटा है। इसको अगर ये गीला होता है उसको ऊपर सुखा दिए, धूप में सुखा दिया हूँ। इसके अंदर आप सिर्फ बालू में, इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट मिलाए, देखिए ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है। कटिंग की ग्रोथ करने के लिए थोड़ा वर्मी कंपोस्ट जरूर होता है, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट हो गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, मिक्स करने के बाद मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बालू और वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लिया हूँ। तो ये जो देखिए गमला है उसके अंदर मैं कटिंग्स लगाऊंगा। तो इसके नीचे देखिए ड्रेनेजोल कितना अच्छा है, देखिए इस तरह से ड्रेनेजोल होल करना पड़ेगा, देखिए। और इसके ऊपर मैं एक कपड़े का जो पॉलीथीन होता है उसको मैं रख दिया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बाली नीचे से ना गिरे, पानी निकल जाए लेकिन बालू नीचे से ना गिरे। तो इस तरह से इसको हम कवर करेंगे, इसको फिल करेंगे। डायरेक्ट बालू में लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मिट्टी का जो कंपोनेंट होता है वो प्लांट के जड़ को गला देता है, प्रॉब्लम वहीं से होता है। आर्डिनियम के लिए आप नॉर्मल में आर्डिनियम लगाते हैं, आपका जो बालू और वर्मी कंपोस्ट में लगाइए, देखिए मिट्टी से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसमें आर्डिनियम में जो जल्दी फंगस लग जाता है तो इसको अच्छे से केयर कीजिएगा। देखिए ये अभी फूल कट चुका हूँ, इतना तक मैं करूँगा। एयर बबल्स होगा, एयर बबल्स होगा तो वो निकल जाएगा। और देखिए ये जो कटिंग से, ये ग्राफ्टेड वाला कटिंग से, देखिए यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है, यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है।
अभी मैं इस तरह से इसको गमले में डालूंगा, मैं इस ये जो ग्राफ टेबल है उसके ऊपर रहे, क्योंकि मेरा प्लांट ख़राब हो चुका था यहाँ तक, इसलिए मैं इसको यहाँ तक गमले में घुसा रहा हूँ। इस तरह से इसको यहाँ तक रखिए। ये आपका पानी देने के बाद ठीक हो जाएगा। पानी देने के बाद ही मैं दिखाऊंगा। अभी पानी में मैं थोड़ा जो फंगीसाइड है उसको मिला देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फिर देखिए पानी, ये पानी है, पानी के अंदर मैं फंगीसाइड डाल चुका हूँ। ये सांप का फंगीसाइड मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब मैं गमले में लगाऊंगा कटिंग, यही पानी इस पर दूँगा, इसके कारण आपका जो प्लांट पूरा बाली में इसका फंगीसाइड मिल जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि अगर पानी निकलेगा कुछ बालू में, तो इस तरह से इसको मैं यहाँ रख दिया हूँ। कोशिश कीजिएगा ये जो कटिंग से हिले हिले ना मत। मैं काम करता हूँ आपको लगाने के बाद ही, अब पानी देने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है, मैं नीचे पानी दे दिया हूँ। तो इस तरह से इसको लगाए, ये हिले ना मत, अगर हिलेगा ये बार बार तो आपका जो कटिंग से वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। अभी पानी इस तरह से देना है नीचे तक जब पानी निकल जाए, अब समझ लीजिएगा पूरा गमले को पानी हो गया। ये देखिए पानी निकल गया, तो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इसके बाद आप सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, जहाँ पे ना बारिश का पानी पड़ता हो ना डायरेक्ट सन पड़ता, वहाँ पे रख दीजिए। देखिए 15-20 दिन के बाद इसके अंदर से आपका जो प्लांट है, अगर वो बच गया होगा तो यहाँ से नया नया रूट निकलेगा और आपका प्लांट भी बच जाएगा। देखते हैं क्या होता है। और ध्यान रखिएगा जो ग्राफ्टेड है इसको मिट्टी के ऊपर ही रखिएगा। मैं रखा हूँ, देखिए इसको थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ। फंगीसाइड का काम होता है, अगर कोई भी इन्फेक्शन होने वाला है मिट्टी में तो वो उसको कंट्रोल करता है। तो फंगीसाइड पानी इसलिए मैं डाला हूँ, और कुछ फंगीसाइड मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। देखिए अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो प्लांट में नहीं होगा। अभी इसको इस तरह से रखिए, वो हिले ना मत, मतलब ज़्यादा जहाँ पे धूप ना हो, ज़्यादा हवा ना आए वहीं पे रखिए। तो मैं इसको रख दूँगा। देखते हैं कितने दिन के बाद इस पर स्प्राउटिंग आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।